नमस्ते छात्रों, आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। समसनम समास है, बहुना पदानाम मेलने एक पद भवनम समास है, अनेकेषां पदानाम एक पदी भवनम समास है, अर्थात परस्पर आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। उदाहरण है दिनम दिनम प्रति, अर्थात प्रतिदिनम। फिर है परार्था विधानम व्रति। व्रति किसे कहते हैं? अन्य अर्थ का जिसके द्वारा कथन किया जाता है उसे व्रति कहते हैं। व्रति पांच प्रकार की होती है, कृदंत व्रति, तदित घटित व्रति, समास व्रति, एक शेष व्रति, स्नाधंत धातु व्रति। आगे है समास विग्रह। व्रत्यार्थ बोधकम वाक्यम विग्रह, अर्थात समास किए हुए पद या समास किए हुए समस्त पद के अर्थ को बताने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसे विग्रह कहते हैं। विग्रह दो प्रकार के होते हैं, लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह लौकिक भाषा में प्रचलित पद समूह लौकिक विग्रह होता है। अलौकिक विग्रह में क्या होता है? प्रत्यय आदि का उल्लेख करके जो कि लौकिक भाषा में प्रचलित नहीं हो उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। आगे है समर्थ पद विधि, पद संबंधी यो विधि से समर्थार्थितो बोध्य। समास का कार्य समर्थ पदों में ही होता है। आगे है समास के प्रकार। समास पांच प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से हैं? केवल समास, अव्यविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के भी भेद हैं, कर्मधारय, कर्मधारय का भेद है द्विगु समास। छात्रों, आज हम समास के भेदों का और समास का परिभाषा का अध्ययन किया, कल हम केवल समास का अध्ययन करेंगे।